लेंगे तो कहते हैं कि ये लंबाई होनी चाहिए, फुल लेंथ है हमारे स्लीव की 5 इंच, 5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 इंच। फिर जो कपड़े की लंबाई होगी स्लीव लेंथ की वो होगी टोटल 7 इंच। अब हमको ये जो आर्मोल का लेना है चौड़ाई, ये बोर्ड पे देखिए, तो यहाँ पर जो फ्रंट बार का पैटर्न होगा उससे आप ये इंच के से मेजर कर लोगे, जो फिटिंग है वो हमारा है 8 इंच, तो इसका मार्जिन है वो हमारा है 2 इंच, तो 8 × 2 = 10 होता है। चौड़ाई होगी वो होगी 10 इंच। अब हमको यहाँ से अंदर जाना है 3 इंच, 3 इंच अंदर जाकर ये सीधी लाइन खींच देना, ऐसे मिला देना है। अब जो फिटिंग था हमारा वो था 8 इंच पे, तो यहाँ से यहाँ जहाँ भी 8 इंच आएगा वहाँ तक हम मार्क करेंगे। अब इसका और ये हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 8 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा वो होगा हमारा 2 इंच। अब इसका इसका जब हम सेंटर करेंगे तो आएगा हमारा 8 का हाफ होता है 4, 4 हमारा इंच यहाँ पर हो जाएगा और 4 इंच हमारा यहाँ पर। अब इससे हम बाहर की ओर जाएंगे 0.5 इंच और इसको यहाँ से मिला देंगे, ऐसे ही गोल शेप में इसको मिलाएंगे। यहाँ मिलाने के बाद अब इसका इसका हम सेंटर करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी 4 थी, तो इसका जो सेंटर करेंगे तो 2 पर आएगा, तो 2 इंच हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 2 इंच यहाँ इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से अंदर आएंगे 0.25 आगे फिर से इस गोल शेप को मिलाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे और ऐसे मिला देंगे। अब हमको यहाँ पे बॉटम का हाफ करना है, बॉटम हमारा था 10 इंच, 10 का हाफ होता है 5, तो यहाँ ऊपर से हम मेजर करेंगे, जहाँ भी 5 इंच होगा वहाँ पर निशान लगा देंगे और इसको ऐसे टेढ़ा मिला देंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। इस साइड हमारा कपड़ा फोल्ड है और बाकी का कपड़ा जो है हमारा वो ओपन है। अब हम स्लीव करेंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब हम जब कट करेंगे तो पहले ये हम बाहरी हिस्सा कट करेंगे, जो भी हमारा बाहरी हिस्सा है ये इसको कट करेंगे। बाहरी हिस्सा कट हो गया है, अब हमको बैक वाला पार्ट हटा देना है, फ्रंट पार्ट की गहराई देना है, तो अब हम ये अंदर वाला पार्ट कट करेंगे जो पहले से हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट में ऐड होगा और ये वाला पोर्शन जो हमारा ऐड होगा ये हमारा बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हमारा गहराई होता है, बैक पार्ट में हमारी कोई गहराई नहीं होती है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं जो कि हमारी फिटिंग का है, और यहाँ पर ये हमारा आगे बॉटम फिटिंग का है। यहाँ पे जो ये होता है ये हमारा 1.5 इंच आगे फोल्ड करने के लिए होता है और ये हमारा आर्महोल में जुड़ जाता है। अब हमारी स्लीव कटिंग कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कपड़े पर कटिंग सिखा देंगे।